चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज की पहली जो आपको आइटम, दो ही आइटम है ठीक है, और दोनों एक से एक बढ़ के हैं। KZ-30 के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। KZ-30 बेसिकली 20 वॉट लाइट है और बहुत ही तेज जूम इन जूम आउट फंक्शन उसमें मौजूद है। अब KZ-30 का जमाना हुआ पुराना, एडवांस हो गई है। अब आ गई है KZ-40+। सही समझे, KZ-40+। यार मैं आपको जबानी क्यों बता रहा हूं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही हमारे पास KZ-30 तो नहीं है, KZ-40+। अब इसमें प्लस क्या है, सबसे पहले तो आप लाइट चेक कीजिए ठीक है। ये जूम आउट फंक्शन हुआ हुआ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जो लाइट होती थी ना, वो उसे हम जूम इन करते थे और जूम आउट करते थे, तो वो कभी हिल जाती थी, कभी आउट ऑफ फोकस हो जाती थी लाइट। तो इस दफा इन्होंने हमें यहाँ पे एक साथ रिंग दे दिया कि आपकी जो लाइट है अपनी जगह ना छोड़े। अब ये लॉक हो गया, अब इसने कहीं पे भी नहीं जाना। तो एक तो आपको इसमें प्लस पॉइंट ये मिल गया कि इसमें आपको एक अदद लॉक रिंग मिल गया, जिसकी मदद से आप इसकी एक्सटेंशन को जहां चाहें वहां पे लॉक कर सकते हैं, चाहे जूम इन करें या जूम आउट। फिर बिल्ड क्वालिटी भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके ऊपर ही हीट सिंकर्स वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि हीट को ये यहीं से डेसिपेट कर दे। यहां पे आपको हॉट का साइन लगा हुआ नजर आ रहा होगा। अमूमन ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है क्योंकि ये मेड ऑफ मेटल है, सारी मेटल है ये ठीक है। तो मेटल चूंकि एकदम गर्म हो जाता है, तो इस वजह से यहां पे हॉट करके एकदम कोई पकड़ ना ले, क्योंकि बहुत पावरफुल लाइट है। पावर से याद आया कि पिछली जो KZ-30 थी वो थी 20 वॉट्स, ये है 30 वॉट्स और 50, ये 30 वॉल्ट्स है और 50 वॉट्स है ठीक है। तो पावर में उससे बहुत ज्यादा है। और फिर जो सबसे मजे का फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो पिछली लाइट में नहीं था, इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। काफी सारे लोगों को एक कमी महसूस हो रही थी कि यार वो एक स्टेटिक लाइट है, व्हाइट लाइट है, दैट्स ऑल, उसमें और कुछ भी नहीं है। KZ-30 में पावर ही पावर है, बहुत तेज लाइट है KZ-30, लेकिन जस्ट फेज लाइट है। आपका गिला इस लाइट में दूर किया गया है। इसमें आपको येलो, यस येलो लाइट भी मिल जाएगी, जो कि धुंध आजकल बहुत ज्यादा है पंजाब और कराची में, तो आप लोगों को इवन पेशावर में भी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी येलो लाइट की ठीक है। ना सिर्फ इसमें येलो लाइट का इजाफा किया गया है, व्हाइट और येलो हो जाएगा। ये हाई पे व्हाइट है, लो पे येलो है। साथ ही आपको इसके येलो फ्लैशर अलग से, व्हाइट फ्लैशर अलग से और दोनों का इकट्ठा फ्लैशर अलग से मिल रहा है। यानी कि इसमें आपको तीन तीन नए फंक्शंस दिए गए, एक येलो लाइट का इजाफा किया गया, दूसरा येलो फ्लैशर और तीसरा येलो व्हाइट दोनों फ्लैशर और चौथा व्हाइट फ्लैशर। तो काफी सारे फीचर्स के साथ भरपूर है ये लाइट। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताते हैं। सो गाइस, लाइट को हम करते हैं ऑन। अभी आप देख सकते हैं एक एलईडी ये लगी हुई है ठीक है, एक छत पे लगी हुई है और एक सामने लगी हुई है। अब यहाँ पे हम आपको लाइट का थ्रो चेक करवाएंगे। इतनी रोशनी के बावजूद जस्ट इमेजिन रात के वक्त आलम होगा ठीक है। ये ब्लैक आ जाती है यहाँ पे ठीक है। अब हम करते हैं सामने, अगर देखें सबसे पहले आप इसकी पावरफुल व्हाइट लाइट देख सकते हैं कि इतनी रोशनी के बावजूद कितनी पावरफुल लाइट आ रही है। अब हम चेक करते हैं इसकी येलो लाइट, और येलो लाइट के बारे में जान के आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि कितनी पावरफुल है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, ठीक हो गया। अब हम इसका फ्लैशर चेक करते हैं, ये आ गया इसका व्हाइट फ्लैशर। बंद करके दोबारा आप लगाएंगे तो ये आपका आ गया येलो फ्लैशर और फिर येलो एंड व्हाइट इकट्ठा फ्लैशर। जस्ट पावर चेक करें, इतनी ज्यादा लाइट के बावजूद कमरे में, ऑफिस में इतनी लाइट है, फिर भी कितनी पावरफुल इसकी थ्रो है कि उसको फील ही नहीं हो रहा कि भाई कमरे में कोई लाइट है भी, सिर्फ इसी की लाइट नजर आ रही है, इतनी ज्यादा पावरफुल है ये। सो गाइज, अब आते हैं मेन मुद्दे की जानिब कि इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो इसकी 4,000 रुपये प्राइस है, 4,000 रुपीज प्राइस है इसकी, लेकिन अगर आप जोड़ी खरीदते हैं तो फिर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी
8,000 बनते हैं, लेकिन आपने पे करने होंगे 7,800 रुपीज।